मुझे लगता है अब हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि दोस्ती जब हम कर रहे हैं उसके साथ साथ चौकन्ना भी रहें, ये सोच के कि कभी भी हो सकता है धोखा दे दे, उसकी भी तैयारी साथ साथ रहनी चाहिए ताकि अगला धोखा ना हो सके। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारे डायरेक्टरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है, आपका चैनल झूठ दिखा रहा है इसका मतलब। क्या आपको नहीं लगता है कि आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आप जब इस तरह के बयान करेंगे तो जो आम आदमी है, जो 99% बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो मुंबई में काम करते हैं, इसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें तो यही लगेगा कि राज ठाकरे ने एक छवि बना दी मुंबई में। ये भी तो सही, देखो ना, ये भी तो सही। देखो, मैं कोई पुलिस कमिश्नर नहीं हूँ कि मेरे पास ये सारी लिस्ट है, एक बार जाके पुलिस के साथ बात कर लो, क्राइम ब्रांच जो है उनके चीफ के साथ बात कर लो, फिर आपको पता चलेगा ना। आप किसी के साथ पूछताछ नहीं करेंगे, आप भी हवा में बातें करते रहेंगे, और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ये कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि तुम समझ रहे हो और फिर भी ना समझ बन रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, जो जितने लोग बाहर से आए, तुम भी तो आसाम से आए हो, तो मैं भी तो माइग्रेंट। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है ना, जब प्रॉब्लम करोगे तो राज ठाकरे उठेगा ना। प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है ना, ये जो चोरी और अपहरण, किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें जो हो रही है महाराष्ट्र में, ये जो क्राइम जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ये आप देखेंगे नहीं क्या कभी? पुलिस फोर्स के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है ये नहीं देखेंगे आप? ये एनालिसिस कोई भी न्यूज एनालिस्ट ये करेगा कि राज ठाकरे एक के बाद एक टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर से अपने इंपॉर्टेंस को जी आप सवाल है कि एक के बाद, इसमें तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। नहीं, किसी भी बात के ऊपर अगर सच बोला तो उसमें स्ट्रेटजी क्या होती है? कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे ये क्यों बोल रहे हैं। मुझे परसों पता चला कि कोई लोग आपके ये टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है चैनल को, हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल धमकी देना नहीं, नहीं, आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? क्योंकि भारतीय संविधान के धारा 19A के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? अगर पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकते? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट? कौन डिसाइड करता है? फिर मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो। आप कोई कोर्ट नहीं है। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि राज ठाकरे कौन है, राज ठाकरे क्या कोई बादशाह है या कौन है वो देव, जो भी आज जो भी आप जो कुछ बोलते हैं। अगर मैं नहीं हूं, मुझे भी मालूम है मैं नहीं हूं, लेकिन आप भी तो नहीं है। इस देश में चैनल्स डिसाइड करेंगे। कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है, मैंने एक आपके ही चैनल एक हेड को मैंने फोन किया था कि ये क्या चल रहा है आपका, मैंने कहा क्या है और आप बता क्या रहे। सब बात होने के बाद एंड में उसने क्या कहा मालूम है? लेकिन राज तुम तो TRP हो हमारे लिए, TRP हो। यानी आपकी TRP के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे। यानी आप भड़काए तो चलेगा, और मैंने सच बात की तो आप बोलेंगे कि ये राज ठाकरे भड़काऊ भाषण दे रहा है, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं जोड़ने की? आप जो कह रहे हैं कि आपने उस वक्त क्यों कंप्लेंट नहीं किया, किया था? मैं कंप्लेंट की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रोटेक्शन क्यों नहीं मांगा? प्रोटेक्शन ही तो मांगा था, दिस इज प्रोटेक्शन। तो अरे एक मिनट, तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या है? अरे मैं इसका मतलब ये, अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके TRP के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा फिर। देख लेने की मतलब क्या है? वो देखेंगे आप आगे। ये, नहीं नहीं, बात ऐसी ये है तो थ्रेट। ऑफ कोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको ये अलाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा?
और मैं आपसे कहना चाहता हूँ राज ठाकरे जी, आप टेलीविजन पे मेरे बारे में हो या किसी के भी बारे में, आप कुछ भी कहते रहेंगे। नहीं, मैं देखिए, आप मैं तो ये मैं तो पुराने जो और गलती याद है। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताओ, गलती होने के बाद अगर आपने गलत चीज बताई है, गलत चीज दिखाई है, उसके बाद आज तक कभी आपने माफी मांगी है लोगों से कि हमें माफ करना भाई, हमने लोगों ने गलत न्यूज दिखाई आपके बारे में? जब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आता है कि वो मीडिया को टारगेट करते हैं, तब आप दूसरा स्टेटमेंट करते हैं। वही बोल रहा हूं। आप अभी तो आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, देखो मीडिया पर्सन हो, बहुत मीडिया के लोग हैं, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन कुछ लोग जो है जो दिल्ली में बैठ के एंकरिंग करते हैं और वहां से ये सारी भड़काव चीजें जो करते रहते हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो उनको बताते रहते हैं कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा है, राज ठाकरे ने ऐसे नहीं कहा है, आप गलत दिखा रहे हैं। मुझे मालूम है, लास्ट 2 साल पहले की बात है, यहाँ का एक लड़का है, उसने मेरा भाषण चालू था टेलीविजन पे लाइव दिखा रहे हैं, कुछ भलता ही दिखा रहे कि मैंने ऐसे ऐसे कहा। इस लड़के ने उनको फोन करके बताया, वो कोई लड़की थी वहां पे एंकर, उनको फोन करके बताया कि नहीं, राज ठाकरे ने ऐसा नहीं कहा है जो आप गलत दिखा रहे हैं। उसने कहा शट अप, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। ये कौन सा तरीका है? बात यह है कि जिस तरह से आप लोगों को भड़का रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा टीआरपी मिल रहा है, ये गलत है। लेकिन जिस तरह से आप मेरे लोगों को बुलाते हैं डिबेट के लिए, ओके, वहां पे कोई एंकर लड़की बैठी है, वहां पे कोई बिहार का या उत्तर प्रदेश का कोई सांसद कुछ बात कर रहा है, और जो बात कर रहा है, बात करने के बाद वो लड़की बोलती है हाँ बराबर है, आप करेक्ट बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, हाँ जवाब दीजिए, इसको किसने कहा डिसाइड करने को कि आप ठीक बोल रहे हैं?